हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह DSSSB की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो DSSSB PRT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 2 क्वेश्चन जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड आए थे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कोल्ब लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय डेविड ए कोल्ब, मींस जो कि इसका कोल्ब का जो कि थ्योरी थी, तो यह किसने दी थी, यह डेविड ए कोल्ब ने दी थी और इसकी थ्योरी का नाम है कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में ELT भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह जो लर्निंग का एक मॉडल दिया था, ठीक है, तो यह मॉडल उन्होंने 1984 में दिया था। तो हम इसके बारे में जो कि जनरल सी बातें हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम जो कि इन्होंने जो भी लर्निंग के मॉडल प्रोवाइड किए, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है जो कि कोल्ब थे, वो कर्ट लेविन के वर्क से काफ़ी क्या थे, इंस्पायर थे। ठीक है, तो आगे इसमें सेकंड है, कोल्ब के अनुसार जो कि अनुभवों के रूपांतरण से निर्मित ज्ञान को ही अधिगम बोलते हैं, मीन्स अनुभवों के परिवर्तन होने की प्रक्रिया से जो हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। मीन्स जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस में जब चेंज आते हैं, ठीक है, तो जब एक्सपीरियंसेस में चेंज आएंगे तो हमारे ज्ञान का निर्माण होगा, तो हमारे जैसे ही नॉलेज का निर्माण होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। क्योंकि कोल्ब ने भी लर्निंग से रिलेटेड ही अपना टॉपिक दिया था, लेकिन कैसे बालक सीखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट है, तो इसमें नेक्स्ट दिया है कि कोल्ब ने अपना जो कंसेप्ट था वह एक्सपीरियंस के बेस पर दिया था, मींस अनुभवों के बेस पर, इसलिए मींस जो कि उसके कंसेप्ट को अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत मींस एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे है, कोल्ब का मानना है कि जो कि लर्निंग के लिए अमूर्त संप्रत्यों मींस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का सहारा लिया जाना चाहिए, जो कि अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किए जाते हैं। मींस जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं इनकी सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग सीखते हैं बच्चे, इनकी सहायता से ही मींस अपने अधिगम का विकास करते हैं, लर्निंग को डेवलप करते हैं, और ताकि वो अगर आने वाली जो कि अलग अलग सिचुएशन होती है उनका मींस उसमें क्या कर सके, इसको यूज़ कर सके। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा सुन लो। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको इसमें बता चुका हूँ जो कि हमने प्याजे का कंसेप्ट किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इसके बारे में जान लो, जिसकी सहायता से बालक अपने मीन्स जो कि फिजिकल एक्टिविटी होती है, बॉडी एक्टिविटी कह सकते हैं या फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी का भी प्रयोग करते हैं। मींस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में क्या आता है कि वो प्रोसेस होती है जिसमें बालक की फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है और बालक की मेंटल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, ताकि बालक की मींस बालक की जो कि बॉडी हो गई और माइंड हो गया मींस दोनों एक्टिव रहें और लगातार मींस वो क्या करें, एक्टिव रह करके सीखते रहें। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में मींस इन्वॉल्व रहें, तो इससे उनका क्या होगा, इससे ही उनकी लर्निंग होगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि जर्नल सी बातें थी कोल्ब की थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन अब हम आगे करते हैं कि क्या था। तो आगे लिखा है, कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी वर्क ऑन 2 लेवल, 1 is a 4-stage cycle ऑफ लर्निंग एंड सेकंड इज 4 separate learning styles। मींस जो कि कोल्ब की थ्योरी है, ठीक है, तो वह 2 लेवल पर काम करती है। इसमें फर्स्ट लेवल है जो कि इन्होंने क्या दिया था कि अधिगम का साइकिल, ठीक है, एक चक्रण प्रोवाइड किया था जिसमें कितनी स्टेजेस आती है, 4 stages आती है, ठीक है। और सेकंड है, इन्होंने लर्निंग स्टाइल मींस अधिगम की शैलियाँ प्रोवाइड की थी जिसमें भी क्या आती है, 4 अलग अलग stages आती हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो लेवल है, ठीक है, तो ये दोनों लेवल करेंगे। पहले हम फर्स्ट लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे इसमें कुछ और बात है, आगे लिखा है, कोल्ब की जो थ्योरी है, ठीक है, तो इसको हॉलिस्टिक प्रस्पेक्टिव, यह एक हॉलिस्टिक प्रस्पेक्टिव थ्योरी है जिसमें कि किसको इम्पोर्टेंस दी है, इसमें एक्सपीरियंसेस को, परसेप्शन को,
कॉग्निशन को और बिहेवियर को क्या किया है, शामिल किया है। मींस जो कि कोल्ब की थ्योरी है, ठीक है, जो है हॉलिस्टिक हम ये कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे कि हमने गेस्टाल्ट थ्योरी में किया था समग्रवाद, ठीक है, उसमें हमने समग्रवाद किया था। मींस सभी को इकट्ठा करके क्या करना कि बालक कोई ना कोई अधिगम सीखता है, तो वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ें शामिल की गई है कि इसमें एक्सपीरियंसेस को, परसेप्शन को, कॉग्निशन को और बिहेवियर को, ठीक है। एक्सपीरियंसेस आप जानते हो क्या होता है, परसेप्शन होता है कि पहचान करनी, कॉग्निशन मतलब कि हमारा ज्ञान जिसमें हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो थिंकिंग करके नॉलेज आती है, ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेसेस आती है जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बिहेवियर हमारा किस तरीके का व्यवहार है, बहुत सारी चीज़ इसमें क्या होती है, शामिल होती है। तो इसमें हमने जो दो लेवल की बात की है, ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ठीक है। तो इसकी कितनी स्टेजेस थी, इसकी 4 स्टेजेस थी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। तो इसमें लिखा है अ न्यू एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन इज एनकाउंटर्ड और अ री इंटरप्रटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस। मीन्स इसमें बालक नए अनुभवों और जो कि परिस्थिति होती है उसका क्या करते हैं, उसका फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, तथा पुराने अनुभवों को, मीन्स पुराने अनुभवों को दोबारा से निर्मित करते हैं, दोबारा उसका निर्माण करते हैं, जहाँ उसकी पुनः व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बालक ठोस रूप से अनुभवों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें बात की गई है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसिस की, ठीक है। तो जो कि ठोस रूप से अनुभव होते हैं उसको प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ठोस रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिसमें बालक की ज़्यादातर जो कि फिजिकल एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो भी, ठीक है, तो ये उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंसेस होती हैं, उससे जो कि ज्ञान प्राप्त करता है वो किस में आ सकता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में आ सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी वस्तु को छू करके उसकी स्मेलिंग कैसी है, ठीक है, टच करके मीन्स गर्म, सर्द, नरम, ठीक है, तो इस तरीके से जो कठोर जो कि ये चीज़ें हैं, हार्ड, सॉफ्ट, तो इसकी जो कि इसका जो ज्ञान है, ठीक है, इसको प्राप्त करता है, वो किस में आते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में आते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट स्टेज है उसका नाम है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मींस चिंतन अवलोकन। तो इसमें लिखा है पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस आर एनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स इसमें जो कि अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि हमने मीन्स जो कि बालक ने पहली स्टेज में जिनका सामना किया था, जिनको प्राप्त किया था, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको समझा जाता है, मीन्स उनका निरीक्षण किया जाता है, उनको ऑब्जॉर्व किया जाता है। देखो जो स्टेज का नाम है उसी से मीन्स सारा सामने आ जाता है, ऑब्जॉर्व करना। तो जो कि इसमें एक्सपीरियंस है उसको क्या करना, ऑब्जॉर्व करना, ठीक है। आगे जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो इसमें लिखा है रिफ्लेक्शन गिव्स राइज टू अ न्यू नॉलेज और मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो जो यह स्टेज है जो कि चिंतन के नए ज्ञान, विचार और अनुभवों को मीन्स जन्म देती है, ठीक है, तथा मौजूद जो कि एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाएं होती हैं, मीन्स कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करती है, मीन्स उसको मॉडिफाई करती है, उसको मीन्स उसका संशोधन किया जाता है, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट पर इसमें क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और क्या निकाला जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है, और जनरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। आगे जो फोर्थ है उसका नाम है एक्टिव एक्सपीरियंशियल, मींस क्रियात्मक प्रयोग, ठीक है। तो इसमें लिखा है द लर्नर अप्लाइज देम टू द वर्ल्ड अराउंड देम टू सी व्हाट रिजल्ट। तो इसमें जो लर्नर होते हैं वह अपने एक्सपीरियंसेस को मींस संसार में अपनी आने वाली सिचुएशंस में प्रयोग करता है, ताकि यह पता चल सके कि उसका क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में जो उत्पन्न स्थितियां होती हैं, ठीक है, जो कि सिचुएशंस अलग अलग क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसमें अनुभवों को का क्या किया जाता है, एक परीक्षण किया जाता है, ठीक है, उसमें अनुभवों का परीक्षण किया जाता है, और उसमें अनुभवों का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंसेस को उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि जिससे और नए अनुभवों का क्या हो, विकास हो। ठीक है, तो ये तो था कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल का कंसेप्ट। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको मॉडल के रूप में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर किसी को नहीं समझ आया, ठीक है, कंसेप्ट जितना हमने किया है, तो इसको और मैंने इजी बनाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको एक मॉडल के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम प्रत्येक स्टेजेस के क्या करेंगे, इसमें कुछ कीवर्ड करेंगे ताकि समझने में आपको मीन्स आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो की स्क्रीन में आप एक मॉडल देख सकते हो जो कि एक साइकिल के रूप में है। तो इसमें मीन्स जो हमने चार स्टेजेस की है इसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें हमारे पास फर्स्ट है कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो इसमें कुछ कीवर्ड दिए गए हैं जो कि हमारे पास कंक्रीट एक्सपीरियंस में दिया है, हैविंग एन एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे जो कि सेकंड स्टेज है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो इसके कीवर्ड आपको याद रखने हैं रिव्यूइंग या रिफ्लेक्टिव ऑन द एक्सपीरियंसिस। ठीक है, आगे थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कंक्लूजिंग या लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस, या हम इसमें याद रखोगे एनालाइजिंग। आगे हमारे पास जो फोर्थ है वो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेज में जो कि इसके कीवर्ड हैं वो है प्लानिंग और ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न्ड। तो ये तो थे कुछ चारों स्टेजेस के कीवर्ड। लेकिन अब इसको और आसान बनाने के लिए इन चारों स्टेजेस को हम एक पैरे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में चारों स्टेजेस में हो क्या रहा है हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इफ़ेक्टिव लर्निंग इज़ सीन व्हेन ए पर्सन प्रोग्रेस थ्रू अ साइकिल ऑफ फोर स्टेजेस। तो इसमें है ऑफ हैविंग ए कंक्रीट एक्सपीरियंसेस फॉलो बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड रिफ्लेक्शन ऑन दैट एक्सपीरियंसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ब्रैकेट में लिखा है एनालाइजिंग, एंड जर्नलाइजेशन ब्रैकेट में लिखा है उसके बाद कंक्लूजन, विच आर देन यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस इन फ्यूचर सिचुएशंस रिजल्टिंग इन न्यू एक्सपीरियंसेस। देखो जो यह पैरा है, ठीक है, जो पैरा लिखा है इसमें इसमें शो हुए हैं पॉइंट, शो हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये जो पॉइंट शो हुए हैं ये एक्चुअल में क्या दर्शाते हैं, ये स्टेजेस में जो एक्चुअल में हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है स्टेजेस में, उसके बारे में ये मीन्स इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जब व्यक्ति चार स्टेजेस के माध्यम से प्रगति करता है तो लर्निंग को क्या मीन्स लर्निंग को हम प्रभावित होते हुए देख सकते हैं। तो लर्निंग मीन्स क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसमें जो कि लिखा है कि फर्स्ट में लिखा है कि बालक क्या करता है, इसमें ठोस अनुभवों को प्राप्त करता है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करता है। उसके बाद सेकेंड में क्या आता है कि जो एक्सपीरियंसेस प्राप्त करता है तो सेकंड में उसको क्या करता है मींस ऑब्जर्वेशन, देखो लिखा है ना ऑब्जर्वेशन, तो इसमें सेकंड में क्या करता है कि उसको अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेजेस में क्या करता है कि जो कि एक्सपीरियंसेस को अवलोकन कर लिया है तो उसको अवलोकन करने के बाद मींस ऑब्जर्व करने के बाद मींस उसको क्या करता है, आगे लिखा है देखो ब्रैकेट में शो किया है इन्होंने थर्ड पॉइंट में एनालाइजिस, मींस उस कंसेप्ट को एनालाइजिस करता है, ठीक है, या जर्नलाइजेशन मींस उसमें मींस सामान्यकरण करना और कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना, हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकालता है। जब एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है बालक मींस अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर, जब वह अपने एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करके निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, कंक्लूजन निकाल देता है, तो उसके बाद फोर पॉइंट में देखो क्या यूज़ हुआ है। तो फोर्थ में मींस जो कि जीवन में आने वाली सिचुएशंस होती हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो उन सिचुएशंस को मीन्स अपने सिचुएशंस पर अपने एक्सपीरियंसेस क्या करता है, प्रयोग करता है, मीन्स अपने एक्सपीरियंसेस का क्या रिज़ल्ट है उसको देखता है। तो ये थी जो कि कोल्ब ने अपने कंसेप्ट दिया था, जो कि चारों स्टेजेस थी उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। आई होप के आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। सिंपल जो भी बात, जो भी मींस स्टेजेस में हो रहा है उनको याद रखना है, स्टेजेस के बारे में याद रखना है, स्टेजेस का जो भी ऑर्डर है उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट लेवल एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ठीक है। तो आगे हम इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहें साइको फॉर यू। थैंक्स फॉर
वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, फॉर सब्सक्राइब सर्च हेयर साइको फॉर यू, क्लिक ऑन द साइको फॉर यू आइकन एंड देन क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड लास्ट डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बटन ऑफ द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।